हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल। जींद के जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो, लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं गायक कन्हैया मित्तल, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे कन्हैया। कांग्रेस में शामिल होने पर कन्हैया मित्तल ने कहा, बीजेपी से कोई बैर नहीं, अब कांग्रेस में शामिल होने का मन बना रहा हूं, कांग्रेस में रहकर हो सकता है सनातन का काम। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर के आप में गतिरोध, सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया बेमेल स्वार्थी, राहुल प्रियंका मल्लिकार्जुन खड़गे पर उठाए सवाल। हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच कल हो सकता है गठबंधन, आप कांग्रेस गठबंधन का ऐलान कल हो सकता है सूत्रों का दावा। आप हरियाणा में 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार, पसंद की सीटों के लिए आम आदमी पार्टी दबाव बना रही। हरियाणा चुनाव गठबंधन के लिए आप कांग्रेस की बातचीत जारी, कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, बदल सकते हैं घोषित उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की, लिस्ट में घोषित किए 10 उम्मीदवारों के नाम, बांदीपुरा से नासिर अहमद गोन, हंदवाड़ा से गुलाब मोहम्मद मीर को टिकट। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया, कहा देश में जब तक रहेगी वापस नहीं होगा धारा 370। एशिया के सबसे पुराने अखबारों में से एक मुंबई समाचार के 200 साल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुंबई में डॉक्यूमेंट्री का करेंगे विमोचन, 40 देशों में एक साथ होगी रिलीज। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी डलास, सैन पित्रोदा, प्रशंसकों ने स्वागत किया। अमेरिका में राहुल भारतीय समुदाय, स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे, छात्रों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट्स से भी मुलाकात करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में टीएमसी सांसद जवाहर, सरकार का इस्तीफा, ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई में देरी होने पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के सरोजनी नगर में चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों को पार्टी से जोड़ा, बीजेपी ने इस बार 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में एनकाउंटर पर चल रही सियासत पर सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला, का अपराधी यादव भी हो सकता है और दलित भी, पर एसपी नहीं चाहती अपराधियों पर एक्शन। यूपी में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर विवाद, अब मजिस्ट्रेशियल जांच होगी, अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। सुल्तानपुर सराफा डकैती कांड में मास्टरमाइंड विपिन सिंह की हुई कोर्ट में पेशी, कोर्ट के बाहर निकलते विपिन बोला उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाले डीओडी के शाही का सम्मान हुआ, शाही बोले आजकल अपराध का जल्द खुलासा कर रही है पुलिस। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मचा बवाल, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर 5,000 के आर्थिक दंड लगाए जाने के पोस्टर लगे, पुलिस पोस्टर्स को हटाने में जुटी। बिहार के बक्सर के पास 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस ट्रेन, डुमराव और रघुनाथपुर के बीच चलती ट्रेन की बोगियां अलग हो गईं, यात्रियों में हड़कंप मचा, हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश स्थापना के लिए निकले जुलूस पर पथराव, भीड़ को उकसाने के आरोप में 13 नामजद समेत 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, अब तक 3 गिरफ्तार। दिल्ली के रनहौला में राजीव रतन आवास के पास कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 25 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, फायर विभाग के मुताबिक आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं। लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग ढहने से हादसा, मृतकों की संख्या 8 हुई, 28 लोगों का इलाज जारी, बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था निर्माण। लखनऊ के सरोजनी नगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से रात में हादसा हुआ, घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव दल, रात का में जुटा, करीब 4 साल पहले ही बनकर तैयार हुई बिल्डिंग, गोदाम के रूप में किया जा रहा था इस्तेमाल। अब सीमावर्ती इलाकों में साजिश वाले ड्रोन की खैर नहीं, मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, सीआरपीएफ ने किया परीक्षण। राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील के ओवरफ्लो होने का खतरा, जिला कलेक्टर ने जल भराव और फाय सागर झील का जायजा लिया, अजमेर में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। अजमेर में भारी बारिश के चलते समंदर बना शहर, सड़क से लेकर घरों तक भरा पानी।
राजस्थान के अजमेर में फाइज सागर झील के पाल में दरार पड़ गई। सूचना पर मौके पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची। रात में ही मिट्टी बजरी से और बोरों से इस दरार को भरा गया। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश, फतेह सागर झील हुई ओवरफ्लो। झील को खतरे से बचाने के लिए खोले गए गेट। तेलंगाना के कई इलाके में बाढ़ का प्रभाव, खम्मम पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मूसलाधार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में बही चार लड़कियां, घटना से गांव में हड़कंप। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के नागपुर में नदी में डूबकर दो स्कूली छात्रों की मौत। नदी में तैरते वक्त एक छात्रा को बचाने में दूसरे की भी जान गई। गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट। पानी कम होने के बाद दलदल जैसी जमीन, लोगों को आने जाने में परेशानी। दिल्ली के मुंडका इलाके में जल जमाव से भारी परेशानी। पानी की वजह से सड़क पर जाम, कई जगह फंसी गाड़ियां।